हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी रिपोर्ट को डिजायर्ड फाइल फॉर्मेट यानी कि वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल एट्सेट्रा में कैसे सेव करके व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना हो पहले उसे जनरेट कर लेना है। जैसे हमें सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट को पीडीएफ में व्यू करना है तो हम यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट को जनरेट कर लेंगे। रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट फॉर्मेट, यहाँ सभी अवेलेबल फॉर्मेट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको ये रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में चाहिए हो उसे यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो एक्सेल, सीएसवी, आरटीएफ कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइल नेम, आपको इस रिपोर्ट के पीडीएफ फॉर्मेट को अपने सिस्टम में कहाँ सेव करना है वो लोकेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे फाइल नेम में आपको ये रिपोर्ट को क्या नाम देना है वो एंटर कर देना है। हमने यहाँ पे सेल्स इनवॉइस डेट वाइज रिपोर्ट नेम एंटर किया है। अब हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ फाइल नेम में सिलेक्टेड पाथ आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में भी आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट सेव हो गई है। इस तरह से हम रैडिक्स में किसी भी रिपोर्ट को डिजायर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।